यूपी के जनपद बिजनौर में तीन मंत्रियों का दौरा रहा, जिन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण और एनआरसी का उद्घाटन किया। रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण और नगर पालिका परिषद का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही जन चौपाल का आयोजन किया गया, जहां लोगों की समस्याओं को सुना गया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर पहुंचे, जहां बिजनौर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और मंत्रियों ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, साथ ही एनसीआर का उद्घाटन भी किया गया। वहीं रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण कर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्राम धर्मपुरा में जन चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। जन चौपाल में मंत्रीगण ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समस्या का समाधान करने की बात कही। बिजनौर से संवाददाता जहांगीर भारती की रिपोर्ट। योगी सरकार की प्राथमिकता है बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर यातायात, आना जाना ठीक से हो। आपने देखा होगा यहाँ पर भी स्वास्थ्य के लिए मरीजों की संख्या ठीक ठाक है, और वहां पर यातायात रोडवेज पर भी देखा होगा कि वहां भी यातायात में यानी यात्रियों की संख्या ठीक ठाक है। प्रबंध के बारे में जानकारी लेना और उसके निर्देश देना यहां भी ठीक स्थिति में है।